स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के बारे में, जैसे कि हम एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा, अलाउ करेंगे, ओके करेंगे और आपका ही ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक्सेसिबिलिटी प्रेस एंड एक्सेसिबिलिटी बटन प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम बटन, यानी कि आप इसको यहाँ से वॉल्यूम बटन से भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो शॉर्टकट होता है यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि एक्सेस होता है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे जा सकते हैं, इसमें पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं वॉल्यूम को इस तरीके से, इस टाइप पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्राइटनेस को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं या फिर क्विक सेटिंग पे जा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑफेंस ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।